दुश्मन बनते जा रहे हैं जिले के वन माफिया। मसौली थाना अंतर्गत शहादतगंज के निकट बैजल लाहार के जंगल में बीती रात लकड़ी माफियाओं ने दर्जनों सागौन के प्रतिबंधित हरे भरे कीमती पेड़ काटकर उठा ले गए। जानकारी के मुताबिक थाना मसौली अंतर्गत पुलिस व वन विभाग की मिलीभगत से बीती रात्रि 12 बजे से सुबह 5 बजे के बीच दर्जनों सागौन के प्रतिबंधित पेड़ों को काटकर वन माफिया उठा ले गए। मुखबिर की सूचना पर तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक अरविंद चतुर्वेदी के निर्देशन में थाना मसौली पुलिस व चौकी इंचार्ज शहादतगंज ने आनंद फानंद में मौके पर पहुंचकर कटे पेड़ों की गिनती कराई। मौके पर लगभग 10 मोटे सागौन के कटे पेड़ों की जड़ें मिली व झाड़ पतली लकड़ी बरामद हुई। सूचना पर वन संरक्षक मिश्री लाल भी मौजूद रहे। इस संबंध में उप क्षेत्रीय वन अधिकारी दिलीप कुमार गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया, बदोसराय क्षेत्र के लकड़ी ठेकेदार वसी कुरैशी निवासी किंतूर अजीमुद्दीन गुड्डू मुन्ना बदोसराय निवासी गढ़ पर वन अधिनियम के तहत मसौली थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्यवाही भी की जाएगी। इस संबंध में वन रेंजर सुबोध कुमार शुक्ला ने बताया, दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। मौके पर वन विभाग की टीम मौजूद है। वन माफियाओं के द्वारा जनपद में लगातार हरियाली नष्ट करने को लेकर पर्यावरण प्रेमियों में काफी रोष व्याप्त है। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाइक बटन पर तुरंत क्लिक करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बगल में सब्सक्राइब का भी बटन है, कृपया सब्सक्राइब पर जरूर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएँ और हमारे सारे वीडियोज़ को सबसे पहले देखने का मौका पाएं।